हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज दादी माँ हम सबको आटे का हलवा बनाना सिखाएंगी, क्योंकि गेहूं का आटा तो सब घर में होता है। तो जब मीठा खाने का मन हो या कोई त्योहार हो, तो गेहूं के आटे का हलवा हम कैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनता है वो दादी माँ सिखाएंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप कभी भी बना के खा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं अपनी रेसिपी दादी माँ से। तो अम्मा, ये जो आप आटे का हलवा बनाने जा रही है, तो इसमें अम्मा ये मात्रा क्या, गेहूं के आटे तीनों एक समान रहेगी? हाँ, एक समान रहना चाहिए। हाँ, मतलब देसी घी अच्छे से इसमें लगती है। खूब अच्छी तरह से भूनना चाहिए, लाल बढ़िया। अच्छा, एकदम अच्छे से इसको भूनना है। और इसका पानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आपने एक कप गेहूं का आटा लिया है तो दो कप पानी लगेगा। आप थोड़ा सा उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो दो कप पानी लगेगा एक कप गेहूं के आटे में, और एक ही कप देसी घी लगेगी, एक ही कप चीनी भी लगेगी। ये देखिए, मैंने पूरी एक कप देसी घी इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा पिघल जाने देना। हाँ। और आपने कहा कि आपको सूजी के हलवे से ज्यादा अच्छा ये लगता है। बहुत अच्छा लगता भाई। हाँ। अम्मा को ये हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम लोग, हमारे यहाँ यही बनता ज्यादातर। हाँ। तो अब पिघल गई है देसी घी, तो अब हम इसमें गेहूं का आटा ले लेंगे। आँच कम कर देंगे। एकदम कम आँच पे हम इसको भूनेंगे। और अम्मा देसी घी में कोई कमी नहीं करती हैं, कहती हैं कि देसी घी अच्छे से पड़ी रहनी चाहिए, तभी स्वाद अच्छा आता है। तो हम इसे लो फ्लेम पे एकदम भुनेंगे। तो ये देखिए, ये जो हलवा बन रहा है, तो उसमें देखिए आटा जो है कैसे लिक्विड स्टेज में ये भुन रहा है। ये देखिए अम्मा मुझे बता रही है, डायरेक्शन दे रही है कैसे करना है। तो ये लिक्विड स्टेज में अगर हम भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा ये भून जाता है अंदर तक। फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती है कि गुठलियां भी पड़ने की। तो जब भी हलवा बनाए तो देसी घी में कमी ना करें, तभी स्वाद एकदम अच्छा आता है। तो मैं ये देखिए, इसे मैं भून रही हूँ, तो इसमें और गाढ़ा रंग चाहिए ना इसमें। हाँ। एकदम गाढ़ा थोड़ा हो जाए, ये पता लग जाता है कि पानी लायक हो गया है। हाँ। पानी। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा और डार्क होता है तभी इसका, क्योंकि आटे का हलवा खूब डार्क हो जाए। हाँ, तभी इसमें अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, स्वाद उसका तभी अच्छा आता है। तो लाइट ब्राउन से आपको थोड़ा और करना है। अम्मा आँच इसमें एकदम तेज नहीं करनी ना। नहीं, एकदम अगर आप खूब धीमी आँच करके, अगर आप तेज आँच करेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो ट्रेडिशनली आता है। तो एकदम धीमे आँच पे लगातार चलाते हुए इसे भुने, थोड़ा डार्कर शेड होने तक हमें इसे भूनना है। अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छा। हाँ, अब डालना चाहिए, चीनी डाल दो। हाँ, अब इसमें चीनी लेके ऐड कर देंगे हम, और थोड़ी देर बस इसे हम भून लेंगे, बहुत ही थोड़ी देर, लगभग आधे सेकेंड धीमे आंच पे थोड़ा। अच्छा, आप पानी ऐड करें अम्मा। हाँ हाँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और एकदम आंच धीमी ही रहे और लगातार चलाते रहे। तो एक कप गेहूं के आटे में दो कप से थोड़ा सा ज्यादा आपको पानी लेना है, लगातार चलाते रहें कि गुठलियां ना पड़े। वैसे घी जब सफिशियंट रहती है तो गुठली पड़ने का एकदम से भी डर नहीं रहता है, इसीलिए घी अम्मा ने बताई है कि सफिशियंट आपको लेना है। लगातार तेज हाथों से चलाएं। कढ़ाई छोड़ दी की। अब इसको लगातार चलाते रहे। देखिए कितना अच्छा ये कढ़ाई छोड़ने भी गया, बढ़िया होने पर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ लोग तो अम्मा ऐसे ही इसको गीला ही एकदम पसंद करते हैं ना। हाँ, कुछ लोग अपनी पसंद है। हाँ हाँ। कुछ लोग को हो जाए। हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग तो एकदम लिक्विड स्टेज में ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो आप अभी भी गैस बंद कर सकते हैं। हाँ। या चाहे तो दो मिनट और भून लें। तो मैं इसको दो मिनट और भूनूंगी। एकदम बन के रेडी हो गया ना। हाँ हाँ। इसमें अम्मा इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एकदम ट्रेडिशनल तरीके से दादी माँ बता रही है, तो इसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट की, ट्रेडिशनली ऐसे ही बनता है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी आटे का हलवा बन के रेडी है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।